तो यार फिर एक नया दिन और फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर है। और आज मधेपुरा की तरफ जा रहे हैं और देख सकते हैं थोड़ा बहुत बारिश भी हो रहा है, लेकिन अब बारिश कम हो गया तो हम लोग निकलते हैं यहाँ से। सिमराही पहुंचे, फिर से बारिश स्टार्ट हो गया है तो हम लोग 2-3 मिनट का स्टे लेंगे जब तक बारिश कम नहीं हो जाती। तो यार अब हम लोग सिमराही से मधेपुरा के लिए निकल चुके हैं, वाया सुपौल होते हुए मधेपुरा जा रहे हैं, क्योंकि पिपरा होते हुए रास्ता बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। हम लोगों ने यहाँ बैठ के डिसाइड किया जाना है हम लोगों को सुपौल होके। ये रास्ता भपटियाई की तरफ जाती है और हम लोग इसी रास्ता होके भपटियाई से कर्ण लेके सुपौल की तरफ जाएंगे। तो चलिए फिर आगे का दिखाते हैं। मधेपुरा के लिए आया सुपौल होते हुए ये लाइन जो आप देख रहे हैं रेलवे का सहरसा की तरफ जाता है। ये लाइन जब स्टार्ट हो जाएगा तो फारबिसगंज वालों को बहुत ही ज़्यादा आसानी होगा, हमें भी आसानी होगी और सुपौल मधेपुरा सहरसा फारबिसगंज इन लोगों को भी आसानी होगा एक दूसरे से कनेक्टेड होने में। रुकने दो। यार अभी हम लोगों को पुलिस ने रोका है लाइसेंस चेक करने के लिए, तो वैसे हम लोग अप टू डेट है, कोई डरने वाली बात नहीं है। हो गया तुम ठीक? ठीक है, थैंक यू। हम लोग पहली बार रास्ता पकड़ रहे हैं ना भाई। सुपौल के पुलिस वाले कई में बहुत हम्बल हैं, लोगों को तुरंत छोड़ दिए उन लोगों ने लाइसेंस वगैरह देखने के बाद, क्योंकि हम लोग वैसे भी पूरा अप टू डेट है, हेलमेट वगैरह सब कुछ है हम लोगों के पास में, बहुत ही हम्बल थे। हम लोग से पूछा कि मेरे पास ये ड्राइविंग लाइसेंस और ऑनर कार्ड है, हम लोग हेलमेट पहने हुए हैं, तो बोले जिनके पास पेपर्स है हेलमेट पहने हुए उन्हें छोड़ दें, कुछ प्रॉब्लम ना दें। मिनट का होल्ड कर रहे हैं, थोड़ा सा थकावट सा लग रहा था। यहाँ पे हमारे सब्सक्राइबर मिले हैं, हमारा वीडियो ही देख रहे थे भाई, वैसे आप ही का वीडियो देख रहे थे, अभी आपको भी अचानक से देख लिए भाई साहब, वीडियो तो बहुत बढ़िया बढ़िया बनाते हैं। अरे अरे थैंक यू भाई, सब्सक्राइबर दिलवाना है आपको भाई, हमारा वीडियो ही देख रहे थे। सुपौल वाले सब्सक्राइब करना है दवा के। हम लोग अभी अभी सुपौल रीच कर गए हैं, यहाँ से अब कम ही दूर बचा है मधेपुरा। ये रास्ता यार हम लोग पहली बार आ रहे हैं, रास्ता बहुत ही बेहतरीन है। रास्ता यार ब्लॉकेज है, देखते हैं फिर रास्ता किधर से मिलता है। उस रोड पे जाने के लिए रास्ता कौन सा है? ठीक है शुक्रिया। ठीक। तो यार ओ भाई, अबे यार एक रास्ता ब्लॉकेज है तो कुछ रास्ता निकालना चाहिए था। वैसे हम उतर जाते हैं, 2% पॉसिबल ही नहीं है पार होगा, थक गए इतने में ही। रेलवे स्टेशन तो यार बहुत अच्छा बनाया है, बस फारबिसगंज से जल्दी से लिंक हो जाए यार, बहुत आसान हो जाएगा हम लोगों का। मधेपुरा के लिए कौन सा रास्ता जाएगा?
सुपौल का बहुत सारा रास्ता यार ब्लॉक किया हुआ है, समझ में नहीं आ रहा, पूछना पड़ेगा फिर से यार। मधेपुरा के लिए आगे से राइट लीजिएगा, उसके बाद मेन रोड मिलेगा ऐसे ही। यार कोई सुपौल वाला अगर वीडियो देख रहा है तो बताओ यार ये इतना सारा रोड क्यों ब्लॉकेज हो रखा है। तो यार फाइनली ये वाला रोड ना, तो यार फाइनली हम लोग मधेपुरा वाला रोड पकड़ लिए हैं। यार सुपौल वाले जरा कमेंट करके मुझे बताओ, इतना सारा रोड जाम कर रखे, आखिर क्या चीज का काम चल रहा है? सुपौल वाले कमेंट करके बताओ यार। यार गांव की खुशबू आ रही है, गांव में है तो गांव की खुशबू आएगी ना। तो यार सिंहेश्वर पहुंच गए हम लोग। तो हम लोग अभी सिंहेश्वर को क्रॉस कर रहे हैं और यहां से मधेपुरा समथिंग 6 किलोमीटर है। ब्यूटीफुल जिला मधेपुरा। जैसे ही मधेपुरा हम लोग पहुंचे हैं तो मौसम का मिजाज थोड़ा सा चेंज हो गया है। फाइनली हम लोग अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं मधेपुरा। तो यार फाइनली हम लोग पहुंच गए। चलो तो यार इसी के साथ वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड कर रहे हैं। GoPro का बैटरी भी कम हो गया है, शाम भी हो गया है, यहाँ के बाद का व्यू नहीं दिखा पाएंगे आप लोगों को। भाई ये पीछे जो आप देख रहे हैं बिल्डिंग्स वगैरह, ये मधेपुरा का मेडिकल कॉलेज है। इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड कर रहे हैं इस खूबसूरत से बैकग्राउंड के साथ में। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम लोग एंड कर रहे हैं यहीं पर। लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को शेयर करना है। मधेपुरा वाले और सुपौल वाले इस वीडियो को दबा के शेयर करना है और सपोर्ट करना है भाइयों को। आशा भाई का जो है हालत पूरा खस्ता हो गया है बाइक ड्राइव करके। भाई कुछ नहीं बोलना है, इसको कुछ बोलना ही नहीं है। तो फिर यार इसी के साथ इस वीडियो को हम लोग एंड कर रहे हैं। तो फिर बाय बाय।